हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग फिर से हमारी नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो हमने कल लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, हम सब कल तो क्लास नहीं हुई होगी, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज के बारे में पढ़ा था, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड के बारे में। हम थोड़ा और आगे चलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है पढ़ने के लिए, जो सबसे जो आपकी लाइफ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, वो है हमारा जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है इंटीजर्स का, उसके बारे में। एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये भी आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट हम लोग के लिए समझना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो मैं हम थोड़ा साइड में आ जाते हैं। हम सिर्फ आज ये पढ़ेंगे कि इंटीजर्स, हम आज हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे कि इंटीजर्स ऐड कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होते हैं और डिवाइड कैसे होते हैं, ठीक है। सो ऑपरेशंस टॉपिक का नाम अपने सब अपने नोटबुक पे लिख लो। ऑपरेशंस का मतलब है जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब मैथ्स में क्या जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है वो नहीं ना, जो हम ऑपरेशन करते हैं। हम क्या, हमारे पास क्या होता है, एक है एडिशन करते हैं हम, सब्ट्रैक्शन करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और हम डिवीजन करते हैं। यही होते हैं हम मैथ्स में, यही चार अभी तक आपने तो यही चार ऑपरेशन सीखे होंगे। इन्हें अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कहते हैं या फिर मैथ्स में हम सिंपल टर्म्स में इसे ऑपरेशन कह सकते हैं। तो अब ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंटीजर्स के केस में कैसे होता है। देखो, आज तक हमने जो सीखा है बचपन से लेके आज तक, तब सारे पॉजिटिव नंबर थे। मतलब जो हमने आज तक सीखा है तब क्या होता था, जैसे यहाँ पे 5 + 3, तो हम 5 + 3 8 लिख देते थे। तो यहाँ पे ये 5 भी एक पॉजिटिव नंबर, एक 3 भी एक पॉजिटिव नंबर, कोई दिक्कत नहीं। 5 और 3 को ऐड करने में क्या है, है ना, सिंपल सी बात है। तो ये पॉजिटिव, अब या फिर 5 × 3 तो 15, है ना, ये सब सिंपल था। या फिर 5 − 3 तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 / 3, है ना, तो हमारा पॉइंट में 1 point something में आंसर आता था। तो यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन जब इंटीजर्स आते हैं तो इंटीजर्स अपने साथ में क्या लेके आते हैं, जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स हमारे पास लेके आते हैं नेगेटिव नंबर्स, है ना। मैं अच्छे से लिख ही देता हूँ, ये माइनस और वीई का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। इंटीजर्स हमारे पास क्या लेके आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी लेके आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी लेके आते हैं। तो अब शायद वो ऐसे दिखे 5 + −3, है ना। तो इस केस में आप क्या करोगे, हमें वो समझना है ना। अब जैसे ये भी हो सकता है, अब ये थोड़ा अजीब लग रहा है ना, ये देखो ये कितना सिंपल था, 5 + 3, हमें पता है 5 + 3 का मतलब क्या होता है। अगर मैं एक छोटी सी नंबर लाइन बनाऊं, यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5, ठीक है, हम आगे कर देते हैं और ये 6, 7 और 8। मैं नंबर लाइन बनाई, मैंने देखा 5 + 3 लिख रखा है, तो मैं 5 पे हूँ, मेरे को 3 ऐड करना है, तो यहाँ से ये एक ऐड किया तो मैं 6 पे चला गया, एक और ऐड किया तो मैं 7 पे चला गया और एक और ऐड किया तो मैं 8 पे चला गया। तो 1, 2, 3, 5 में 3 ऐड करने पे मेरा कितना हो गया, 8, वही आ रहा है। तो ये तो बहुत सिंपल था, लेकिन अब क्या है, ये लिखा है 5 + −3, मतलब 5 में −3 ऐड करना है। तो अब ये क्या सिस्टम है भाई, तो ये हम अब पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, ये क्या होता है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक है, एक बार मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ। ये मैं आपको समझाने के लिए था कि हमें क्यों समझना इंपॉर्टेंट है, कि हम इसे कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले एडिशन की बात करेंगे, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एडिशन से। सब अपने अपनी कॉपी में मेरे साथ में ये लिखते जाना, ठीक है, ताकि आपके सामने लिखा हुआ रहे कि अगर ये नंबर, जैसे आप अभी सीख जाओगे, आई नो कि आप अभी समझ जाओगे ये कैसा होता है, लेकिन बाय चांस कभी आप भूल गए तो आप अपनी नोटबुक खोल के उसको देख तो सकते हो कि हाँ भाई ये कैसे हुआ था, ठीक है। बार बार वीडियो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको देख के समझ जाओगे। तो आई लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला हम है हमारा एडिशन, कि भाई इंटीजर्स का एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब सबसे पहले बात समझने क्या है, इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, कोई डाउट, इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। अब तो सबसे पहले हम लिख देते हैं केस नंबर 1, कि भाई इंटीजर है केस नंबर 1 क्या, कि बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव। वो कह रहा है कि जो हमारे दोनों नंबर है वो पॉजिटिव है, तो
तो हम एडिशन कैसे करेंगे, हम क्या देख रहे हैं, हम अभी देख रहे हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स में क्या, नेगेटिव नंबर भी है और पॉजिटिव नंबर भी है। हम देख रहे हैं केस नंबर वन, केस नंबर वन में क्या है कि भाई बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव, कि भाई दोनों नंबर पॉजिटिव है तो इंटीजर कैसे ऐड होगा। तो हम दो इंटीजर ले लेते हैं सबसे पहले, सिंपल सबसे हमारा सिंपल मेथड यही है कि हम दो इंटीजर ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं 5 और दूसरा ले लेते हैं 3। क्या ये दोनों इंटीजर है? हाँ। क्या ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है? हाँ। ये 5 भी पॉजिटिव इंटीजर है और जो 3 है वो भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसे स्टार्ट करना है, हमें ऐड करना है ना। तो 5 प्लस 3, हमने ये बचपन से देखते आए हुए हैं, क्योंकि ये 5 नेचुरल नंबर भी है, ये 3 नेचुरल नंबर भी है, तो हम भी बचपन से ये चीज देखते आए हैं कि 5 प्लस 3 कैसे ऐड होता है। तो ये डायरेक्ट आ गया 8। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, जैसे 3 प्लस 5 इस ऑर्डर को रिवर्स कर दूं, तो इस ये तब भी आंसर क्या आएगा, 8, कोई चेंज नहीं। तो ये तो हमारा सिंपल सा हो गया केस नंबर वन, कि भाई जब दोनों नंबर पॉजिटिव थे। अब जब हम चलते हैं केस नंबर 2 पे, ठीक है, आई होप सो आपको कोई डाउट नहीं है, आपको समझ आ रहा है हमने क्या किया। हमने अभी एक केस वन लिया जहां दोनों नंबर पॉजिटिव थे, अब मैं ले रहा हूं केस नंबर 2, व्हेन वन नंबर इज पॉजिटिव एंड अदर नंबर इज नेगेटिव। मतलब क्या कह रहा हूं, एक नंबर पॉजिटिव है, दोनों में से कोई एक नंबर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो दो नंबर लिख लेते हैं, यही ले लेते हैं एग्जांपल, एक लिख लेते हैं 5 और दूसरा ले लेते हैं -3। अब मुझे ये बताओ, ये 5 जो है वो मेरा पॉजिटिव नंबर हो गया, ये जो 3 है वो मेरा क्या होगा, नेगेटिव नंबर, करेक्ट, कोई डाउट नहीं ना, यही लिखा ना मैंने कि वन नंबर इज पॉजिटिव एंड अदर नंबर इज नेगेटिव। तो ये 5 मेरा पॉजिटिव और 3 मेरा नेगेटिव, ठीक है। सो लेट स्टार्ट, अब उसमें एडिशन करना है ना हमें, तो ये क्या होगा, 5 प्लस -3 हो गया। अब आप क्या करोगे, यहां पे प्लस माइनस दोनों आ रहा है, 5 प्लस -3, अब ये कैसे होगा। तो हम मैथ्स का सबसे पहला रूल समझते हैं कि अगर कहीं पे भी मैथ्स में ऐसे दो साइन साथ में हो, साथ में मतलब ये देखो, ये प्लस के बाद में अगला साइन ही क्या है, माइनस का 3 है, तब ये क्या होगा, ये प्लस माइनस जो है वो दोनों चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे एक साइन हो जाएगा। अब यहाँ एक साइन कैसे होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। जब यहाँ प्लस और प्लस था तो हमेशा प्लस रहेगा, प्लस माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस होगा तब भी माइनस होगा, और माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ये चार चीजें आप याद रखिए, देख लिए क्या क्या है, अगर प्लस और प्लस है तो प्लस रहेगा, जैसे यहाँ प्लस होता और यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे तब भी प्लस रहता, ठीक है, मेरा कहने का मतलब समझ गए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ ना, सबसे पहले प्लस और प्लस का, जैसे 5 प्लस और यहाँ +3 लिखा होता है, ये हमारा नॉर्मल केस है, तो ये क्या बन जाता, 5 प्लस 3, कोई डाउट। अब जैसे यहाँ लिखा होता, सेकेंड केस है हमारा प्लस माइनस का, है ना, कि 5 प्लस माइनस का केस है, ये हमारा फर्स्ट केस है, ये हमारा सेकेंड, मैं इधर बता रहा हूँ ना कि यहाँ -3 होता है, यहाँ लिखा होता 5 प्लस -3 जो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, तब मैंने आपको कहा कि जो साइन है वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये क्या हो गया, 5 -3, ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। थर्ड केस में हमारा क्या है, माइनस और प्लस, अगर ये ऐसा लिखा हुआ होता कि 5 माइनस +3 तो हमारा ये क्या बन जाता, ये फिर से बन जाता 5, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना माइनस, तो ये बन जाता 5 -3, लेकिन ऐसा प्लस साइन हम एक्स्ट्रा लगाते नहीं है, क्योंकि हम 5 -3 को भी 5 -3 ही लिखते हैं ना जब हम सॉल्व करते हैं, तो हम ठीक है, पर आपके समझने के लिए, ठीक है। और अगला अगर यहाँ ऐसा लिखा होता कि माइनस और माइनस लिखा होता, ऐसा लिखा होता 5 माइनस ऑफ -3, तो ये क्या बन जाता, 5 प्लस 3, अंडरस्टूड, आई होप सो आपको ये चारों समझ आ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा इस ये जो लिखने से मतलब क्या है, आई होप सो आपको समझ आ गया मेरे, ये जो चीज है, ये जो मैंने बॉक्स के अंदर ये जो चीज लिखी है कि प्लस और प्लस प्लस होते हैं, वो यहाँ मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। तो हमारे पास, हम इसको मिटा देते हैं एक बार, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये यहाँ रहने दो, ये मैं आपको वापस बता दूंगा, बस आप अभी केस पे ध्यान दो, या फिर अपनी बुक के एक बार साइड में कहीं लिख लो, थोड़ा सा वीडियो रोक के उसको लिख लेना ना, वैसे मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा ही पूरा, बट एक बार आप लिख देख लो, अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ। तो हमारे पास जो केस था, एक मिनट, क्या था कि अगर प्लस और प्लस हो तो वो हमेशा प्लस रहेगा, प्लस और माइनस हो तब माइनस हो जाएगा,
माइनस और प्लस हो तो भी माइनस हो जाएगा, और माइनस और माइनस हो तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ बॉक्स हम बना लेते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, ये प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है ना, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3, यही तो है, प्लस और माइनस साथ में है, तो साइन क्या हो गया, माइनस, 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 मतलब 2, आंसर क्या हो गया, 2। अब अगर मैं आपको यही चीज, ये जो लिखा हुआ है, इसको एक बार नंबर लाइन पे समझाने की कोशिश करूं, तो वो क्या है, ऐसा ही कुछ है। मान लो यहां मेरा 0 है, यहां मेरा 1 है, यहां मेरा 2 है, यहां मेरा 3 है, यहां मेरा 4 है, और यहां मेरा 5 है। अब वो मुझे कह रहा है कि 5 में माइनस 3 प्लस करो, तो क्या जब माइनस 3 को ऐड करने को, जब नंबर लाइन में ये माइनस, जब माइनस, देखो नंबर लाइन में एक चीज समझ लो, नंबर लाइन में जब भी आप ऐड करोगे तब आप राइट की तरफ जाओगे, ठीक है, और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तब आप लेफ्ट की तरफ जाओगे। तो ये 5 है, 5 में से 3 माइनस करना है, तो ये 1, 2 और 3, तो आप क्या 2 पे आए, ये है ना 1, 2 और 3, जब हमने 3 माइनस किया 2 पे, तो हमने इसको नंबर लाइन पे भी देख लिया इसका मतलब क्या है। ठीक है, सो हमने एक केस तो देख लिया कि एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नंबर नेगेटिव है, तब क्या होगा। अब सपोज इस जगह पे ऐसा लिखा हुआ होता कि ये भी तो हो सकता था -5 + 3, तो यहाँ -5 नेगेटिव नंबर है और +3 पॉजिटिव नंबर है, ऐसा ही हमने, हाँ यहाँ देखा, ऊपर हमने केस में देखा कि ये 5 पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि -5 पॉजिटिव है, ये -5 है और ये +3 है, तब मेरा आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं अब हमारा आंसर क्या आएगा। अब देखो साइन साथ में नहीं है इसलिए साइन कहीं चेंज नहीं होने वाले, लेकिन मैंने आपको ये तो बताया था जब कहीं प्लस माइनस साथ में हो तो क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है, मेन ऑपरेशन होता है माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस हो जाएगा, तो 5 बड़ा नंबर है, 3 छोटा नंबर है, 5 माइनस 3, तो आ गया मेरे पास आंसर 2। लेकिन अब एक और चीज है, अब साइन का क्या, मैं यहाँ साइन क्या लगाऊंगा, क्या मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, नहीं, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, मैं यहाँ देखूंगा मेरा यहाँ बड़ा नंबर कौन सा था और बड़े नंबर पे साइन क्या था, मेरा बड़ा नंबर था 5 और 5 पे मेरा साइन क्या था, नेगेटिव, तो यहाँ आंसर में मेरा साइन क्या आएगा, नेगेटिव, तो मेरा आंसर क्या हो गया, -2। अब मैं एक बार और आपको ये नंबर लाइन पे भी बता देता हूँ, ठीक है, नंबर लाइन पे इसका मतलब क्या है, ये मेरी नंबर लाइन है, ठीक है, हम लोग 0 यहाँ लिखते हैं, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि -5 में 3 ऐड करना है, मैंने अभी आपको कहा था कि अगर मुझे कोई चीज नंबर लाइन पे ऐड करनी होगी तो मैं हमेशा राइट की तरफ जाऊंगा, राइट की तरफ मतलब ऐसे आऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ठीक है, तो ये मेरा -5, मैं यहाँ पे हूं, मुझे 3 ऐड करना है, तो मैंने फर्स्ट ऐड किया, सेकेंड ऐड किया, थर्ड ऐड किया, ठीक है, तो मैं कहां पहुंचा, मैं पहुंचा -2 पे, तो क्या मेरा आंसर वही -2 आ रहा है, क्या मेरा आंसर -2 आ रहा है, तो आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने क्या किया। मैं एक और बार आपको समझा देता हूँ कि मेरा पास नंबर था -5 और 3, एक नेगेटिव इंटीजर था और एक पॉजिटिव इंटीजर था, मेरे को दोनों को ऐड करना था, तो मैंने देखा साइन साथ में नहीं थे इसलिए डायरेक्ट साइन कोई चेंज नहीं करना था, पर एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा नेगेटिव होता है, तो 5 माइनस 3 हुआ, 5 माइनस 3 का आंसर क्या आया मेरा, 2 आया, लेकिन मुझे साइन लगाना था, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा था, 5 और 3 में से बड़ा नंबर कौन सा होता है, 5, और 5 पे साइन क्या था, नेगेटिव का, तो मेरा वैल्यू क्या हुआ, नेगेटिव। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं केस नंबर 3, ठीक है, केस नंबर 2 तक आई गेस आपको समझ आ गया होगा, अब केस नंबर 3 हम देखते हैं क्या होता है। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या है कि अगर मेरा कोई नंबर, मेरे दोनों नंबर नेगेटिव हो, इफ बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, अगर मेरे दोनों ही नंबर नेगेटिव हो तो हम दो नंबर नेगेटिव ले लेते हैं, एक ले लेते हैं -5 और दूसरा ले लेते हैं -3, -5 नेगेटिव नंबर है, -3 नेगेटिव नंबर है, इंटीजर है दोनों, अब इन दोनों को प्लस करना है, तो -5 + -3, कोई डाउट। अब ये देखो फर्स्ट वाली केस की तरह यहाँ पे प्लस और माइनस साथ में, तो सबसे पहले तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 + - क्या होता है, -3, ठीक है। फिर हमने उस चार्ट में देखा था, अभी इस चार्ट में यहाँ पे एक बनाया था कि दो नेगेटिव साथ में होता है तो वो क्या होता है, एक्चुअल में उसका सम होता है, एक्चुअल में नंबर्स का
मतलब आप इसको एब्सोल्यूट नंबर मान लो कि 5 और 3 है और इसका सम होगा, तो 5 और 3 का सम क्या होता है 8, आंसर तो 8 आ गया, लेकिन अभी साइन लगाने की बात है। अब देखो दोनों नंबर नेगेटिव है तो साइन भी नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। अब ऐसा होता है जब दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो साइन हमेशा नेगेटिव, नंबर ऐड होता है मतलब 5 और 3 ऐड होंगे लेकिन जो साइन लगेगा वो नेगेटिव लगेगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ मैं इसको भी आपको एक बार नंबर लाइन पे बता देता हूं। अब जैसे मेरा यहाँ पे, यहाँ मानो यहाँ 0 है, ठीक है, यहाँ मेरा माइनस 1 होगा, यहाँ मेरा माइनस 2 होगा, यहाँ मेरा माइनस 3 होगा, यहाँ मेरा माइनस 4 होगा, यहाँ मेरा माइनस 5 होगा, यहाँ माइनस 6 होगा, यहाँ माइनस 7 होगा, यहाँ माइनस 8 होगा और यहाँ माइनस 9 होगा। तो हम किस पे थे, माइनस 5 पे, ठीक है, यहीं पे है माइनस 5 में। वो मेरे को कह रहा है कि 3 और माइनस कर दो भाई। अब मैंने आपको कहा था कि सब्ट्रैक्ट करते टाइम हम लेफ्ट में जाते हैं, ऐड करते टाइम हम राइट में जाते। अगर यहाँ होता कि प्लस कर दो तो मैं इस तरफ जाता जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो हमें और पीछे की तरफ जाना है। तो ये देखो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 इतना गया, हम किस पे आ गए, माइनस 8 पे। तो क्या मेरा आंसर माइनस 8 ही आ रहा है? देखो आप मैथमेटिकली भी समझ गए और नंबर लाइन पे भी समझ गए कि कैसे आ रहा है, ठीक है। ये देखो ये प्रैक्टिस करने पे ही आएगा, आप जब तक बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे नहीं इसके ऐड सबट्रैक्ट के तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा। आई होप सो आपको एडिशन में इंटीजर्स के एडिशन में सारे केस समझ आ गए। कल हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे, उसके बाद हम एक दिन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे। देखो ये हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सब अपनी कॉपी में एक जो मैं ये चार्ट बना रहा हूँ, आई नो मैंने ऊपर बना रखा है ये चार्ट, पर ये आप फिर से बनाइए, ठीक है, अच्छे से बनाइए और इसको हमेशा देख के याद करते रहिए। क्या कि अगर इंटीजर्स दो में दोनों नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स हो और उनके ऑपरेशन बीच में पॉजिटिव ही हो तो वो ऐड होगा, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो माइनस होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव ये भी माइनस होगा और नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये एक बार अपनी कॉपी में बना लीजिए, ये आपको एक रेफरेंस देता रहेगा कि आपको कहां और क्या करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइन देखना, तो मैंने आपको बताया है कि साइन हमेशा जो बड़े नंबर का जो भी साइन होगा वो साइन हमें लगाना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे था। तो आई होप सो आपको एडिशन थोड़ा बहुत समझ आ गया। अब मैं आपके लिए थोड़ा बहुत होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूं ये आप करो होमवर्क, हम मैं सिर्फ ऐड करने को दे रहा हूं आपको, तो आप ऊपर ना ऊपर का जो क्वेश्चन है उसको देख के इसको सॉल्व करते रहना, 10 क्वेश्चन है वो करते रहना, ठीक है। 7 माइनस माइनस 4, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सारे लिख लेना, 4 माइनस 2, -4 -7, -4 + -3, सॉरी इक्वल टू क्यों लगा रखा है, नंबर लिखना है ना मुझे, 3 4 5th लिख लो, -7 + 2, और इसको नंबर लाइन पे भी शो कर देना। इसके लिए नंबर लाइन, जैसे मैं आपको नंबर लाइन पे बता रहा था वैसे आप नंबर लाइन पे भी करोगे तो आपको और क्लियर होगा कि ये हो क्या रहा है। नंबर लाइन का फॉर्मूला आपको फॉर्म आपको पता है, जैसे आप ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो आप ऊपर केस देखना, आप इस वीडियो में केस देखना कि केस नंबर 1 में क्या हो रहा था, ठीक है, उस तरह से इसको सॉल्व करना तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है। अगला है 9 -2, उसके बाद में हम कर लेते हैं -9 -2, फिर हम कर लेते हैं -9 + -2, फिर हम कर लेते हैं 3 + -2, और लास्ट हम एक और कर लेते हैं 4 + -2। सो आप एक बार ना वीडियो पॉज कर लीजिए और मैं सेंटर में कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे से, और ये 10 क्वेश्चन आप कल होमवर्क में कीजिए, ठीक है। ये सब आप होमवर्क में करोगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कि हो क्या रहा है। एडिशन, अगर आप एडिशन समझ गए तो सब्ट्रैक्शन सेम यही की यही चीज है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही चीज है, ठीक है, मैंने थोड़ा मिक्स करके दिया है। तो आप ये लिख लीजिए एक बार, मुझे आप ये कल कॉपी में अभी सॉल्व कीजिए, अभी आपने वीडियो देखा है तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। और अगर आपको कोई भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा डाउट भी लग रहा है तो वीडियो थोड़ा सा
वापस देखिए केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 देखिए कि कैसे मैंने ऐड किया है कि अगर एक नंबर पॉजिटिव होता है दूसरा नंबर नेगेटिव होता है। एक ये क्वेश्चन हम थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, इसको भी प्लस कर, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा ये आपके लिए, ठीक है। यहाँ सब यहाँ प्लस डाल दीजिए, यहाँ पे एक प्लस डाल दीजिए, इसको माइनस टू कर दीजिए, यहाँ पे एक प्लस डाल दीजिए, इसको एक माइनस टू कर दीजिए, ठीक है। ओके, ये दोनों क्वेश्चन सेम होगा पर कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस 8 कर दीजिए। अभी मैं आपको सब्ट्रैक्शन देख के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, आप सिर्फ एडिशन के क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ कि करना क्या है, आप क्वेश्चन लिख लीजिए तब तक और समझ लीजिए। जैसे ये 7 है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक नेगेटिव नंबर है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एडिशन। तो आप केस नंबर 2 देखिए कि एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर एडिशन कैसे होता है, ठीक है। जैसे ये दोनों पॉजिटिव नंबर है तो केस नंबर 1 देखिए कि दोनों पॉजिटिव नंबर होता है तो कैसे एडिशन होता है। ये एक नेगेटिव नंबर, ये एक पॉजिटिव नंबर, दोनों के बीच में एडिशन कैसे होगा, ये आप केस नंबर 2 देख लीजिए। दो नेगेटिव नंबर, दोनों के बीच में एडिशन कैसे होगा, ये आप एक केस देख लीजिए, केस नंबर 3 देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पूरा जो आपको डाउट हो, आप जितनी ज्यादा बार करोगे उतना जल्दी आप समझ पाओगे। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। हम अब ये होमवर्क आप करके आना पूरा, आप इसको अगर वीडियो आपने नहीं लिखा है तो पूरा पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, अब हम कल आराम से पढ़ेंगे। देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि इंटीजर्स कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये हमारी जिंदगी भर काम आएगा। ऐसा नहीं है कि आप 6th 7th क्लास पढ़ के इसको छोड़ दोगे, ये आपको हमेशा के लिए पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स थैंक यू, वी विल मीट टुमारो, और आपको जो भी डाउट होगा हमारी एक डाउट क्लास होगी इस हफ्ते, आप उसमें मुझसे पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।